बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप? आपके लिए लेके आई हूँ आज मैं एक चॉकलेटी सी रेसिपी। आज हम बनाएंगे सिंपल सी चॉकलेट सॉस, जो बहुत सारी रेसिपीज़ में यूज़ होती है, बहुत सारे डिज़र्ट्स में यूज़ होती है, बहुत सारी केक्स में यूज़ होती है, बहुत सी जगह पर डेकोरेशन के लिए यूज़ होती है। तो चलें चलते हैं और देखते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। यहाँ है जी मेरे पास सबसे पहले एक कप दूध है मेरे पास, ये हम सारा यूज़ नहीं करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता जितना हमें ज़रूरत होगा उतना यूज़ करेंगे। 4 चम्मच है मेरे पास चीनी और 4 चम्मच है मेरे पास कोको पाउडर। कोको पाउडर जो है वो मैंने अनस्वीटन लिया है, अगर आप स्वीटन लें तो आप जो शुगर है उसे कम कर दीजिएगा, शुगर की क्वांटिटी कम हो जाएगी, ठीक है। और ये जी मेरे पास है 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर, ये सॉस को थिक करने के काम आएगा। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर ना हो तो आप मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए चलते हैं जी इसे बनाने की तरफ। ये जी मेरे पास 4 टेबलस्पून जो है वो कोको पाउडर है और 4 टेबलस्पून शुगर ऐड कर देंगे इसमें और 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। मैं इसको पैन में डाल के यहीं पे मिक्स कर लूँगी और मैंने जो क्वांटिटी ली है वो मैंने इस टेबलस्पून के हिसाब से ली है। आप जिस भी टेबलस्पून के हिसाब से लें सारी क्वांटिटी एक ही टेबलस्पून से मेजर कीजिएगा, ठीक है। और अब हम इसको यहाँ पर मिक्स कर देंगे ताकि पैन पर जाके फ़ौरन से मेल्ट होना शुरू हो जाती है तो मिक्स अच्छे से नहीं होती, ठीक है। ओके, तो चलें जी अब मैंने फ्लेम ऑन कर लिया। फ्लेम मैंने बहुत लो रखी है, जैसे दम वाली आंच होती है उस तरीके से। और सबसे पहले मैं 1/2 कप ऐड कर रही हूँ, बस इतना सा हम ऐड करेंगे, अगर ज़रूरत होगी तो हम और ऐड करेंगे। एक साथ सारा नहीं डालिएगा वरना वो ख़राब हो जाएगा, तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। फ्लेम जो है वो मेरी स्लो है, जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि दम वाली जैसे आंच होती है वैसे मैंने इसकी फ्लेम रखी हुई है, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे, फ्लेम हाई नहीं करेंगे वरना जल जाएगा। ऐसे हमने इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है। देखिए जी अच्छे से मिक्स हो गया है। अब ये जो बचा हुआ दूध है वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ये जी तकरीबन 1 कप मैंने इसमें सारा जो मिल्क था वो मैंने ऐड कर दिया। देखिए हमारा कलर जो है वो कितना ही चॉकलेटी हो गया है, कलर जो है कितना डार्क कलर हो गया है हमारी सॉस का। ये सारा कलर जो कोको पाउडर की वजह से ही आया है। समटाइम ऐसा होता है कि हमें कोई ना कोई डिज़र्ट बनाना होता है या कोई शेक या कोई से भी आपको, तो हमें घर में रिक्वायर्ड नहीं होता या समटाइम ख़त्म हुआ होता है या मार्केट में भी अवेलेबल नहीं होता, आप घर में बहुत ईजी से बना सकती हैं। अब हम इसे मिक्स करेंगे ऐसे ही, और अभी ये देखें पतला है थोड़ा सा, तो मैं अभी इसे ऐसे कंटिन्यूसली हिलाऊंगी, इसे छोड़ना नहीं है, कंटिन्यूसली स्टिर करना है हमने इसे, ऐसे ही इसने पकना है। आहिस्ता आहिस्ता ये जो हमारा लिक्विड है ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। देखें अभी बबल्स आना शुरू हो गए हैं, हमारा जो लिक्विड है वो थोड़ा सा थिक होना स्टार्ट हो गया है, ये देखें जी इतनी कंसिस्टेंसी जो है ना वो मुझे रिक्वायर्ड है। ये देखें अभी गाढ़ा होना शुरू हो गया, बिल्कुल बबल जो है वो इसके आ गए। अब मैं इसका फ्लेम जो है ये देखें कंसिस्टेंसी, बस मैंने इसका फ्लेम यहाँ पे कर दिया बंद, क्योंकि बंद करने के बाद भी पैन गर्म होता है तो आपने उसको हिलाते रहना है, छोड़ना नहीं है वरना वो जम जाएगा, ठीक है। ऐसे आपने इसको हिलाते रहना है। फ्लेम जो है वो मैंने ऑफ़ कर दिया, आँच नहीं है बिल्कुल भी मेरी नीचे, तो इसे थोड़ा सा हिलाएँगे। कंटिन्यूसली हमने इसको हिलाना है, देखें कितनी ज़बरदस्त हमारी थिक सी सॉस जो है वो तैयार हो गई है, इस कंसिस्टेंसी में आ गई है। अब जी यहाँ भी एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो हम इसमें ऐड करेंगे, यहाँ है मेरे पास जी बटर, ये मैंने 1 टेबलस्पून के करीब या 1 क्यूब भी आप इसमें डाल सकते हैं। बटर जो है वो हमारी चॉकलेट सॉस को शाइन देगा, ग्लेज पैदा करेगा चॉकलेट सॉस में, और ये जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके पास ना हो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन डेकोरेशन के लिए हमारे पास ये ऐड करना ज़रूरी है, वरना हमारी सॉस को जो है वो शाइन नहीं आएगी, ग्लेज नहीं आएगी, ठीक है। सॉस में एक ग्लेजिंग एजेंट है बटर का, और बिल्कुल मैंने नीचे फ्लेम जो है वो मैंने बंद कर दी हुई है,
फिर भी देखें अभी ये इसमें फ़ौरन ऐसे मेल्ट हो जाना है क्योंकि हमारी सॉस जो है वो ऑलरेडी गर्म है। ठीक है, ये देखें तकरीबन सारा बटर जो है वो मेल्ट हो गया है इसमें। देखें हमारी सॉस को कितना ज़बरदस्त ग्लेज आया है, कितनी वो शाइन कर रही है, ये चेक करें आप। देखें कितनी ज़बरदस्त शाइन आई है हमारी सॉस में। बच्चों की बहुत ही फेवरेट है, कुछ बच्चे तो वैसे ही इसे खा लेते हैं ना भी किसी डिज़र्ट में यूज़ करना हो तो। मेरा तो अपना भाई नहीं छोड़ता। चलें जी, अब मैं इसे डिश आउट कर लूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसे सेव कैसे करना है, आप कैसे इसे रख सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये जी सॉस हमारी रेडी हो गई है। लेकिन जी अब मैं इसे आपको इसकी कंसिस्टेंसी चेक करवाती हूँ। ये देखें, लें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी कितनी प्लेन हमारी सॉस जो है वो तैयार हुई है बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, चेक करें आप, माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें जी हमारी सॉस कितनी ज़बरदस्त तैयार हुई है। तो व्यूवर्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी, मेरी ये ट्रिक पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके।